बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम या अल इस्लाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैजान और आप सबको इस टाइम बैनुल हरमैन करबला से रोज़ा मौला इमाम हुसैन और मौला अब्बास के दरमियान में मौजूद और सुबह नमाज ईद के मनाजर दिखा रहा हूँ। और दुआ है मेरा मौला आप तमाम मोमिनीन को भी एक साल ऐसा नसीब करे कि आप तमाम मोमिनीन भी इस ज़मीन पर नमाज ईद की एक नमाज अदा कर सकें। आप तमाम मोमिनीन ने जितने भी इबादत की हैं, जितनी भी अपने आपके नमाजें हैं, आपकी कुरान और इसके अलावा भी जो जो भी इबादत हैं, मेरा मौला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अपने बच्चों का सदका, इन इबादत का सदका मेरा मौला आप सबको इस ज़मीन करबला की ज़्यादा नसीब फरमाए। मेरा मौला आप सब देखने वालों को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, जहाँ भी रहें मौला के हिफ्ज़-ओ-अमान में। ये सारे मनाजिर हैं, अभी सुबह के नमाज ईद अभी अभी पढ़ के मोमिनीन जो हैं दूसरी नमाज ईद की तैयारी में हैं। और मेरी दुआ है जो इस साल रमज़ान मुबारक में नहीं आ सके, मेरा मौला उन सबको अगला साल इस रमज़ान मुबारक में अपनी बारगाह में आना नसीब फरमाए। ये रोज़ा मौला अब्बास के मनाजिर हैं, और ये सामने रोज़ा मौला इमाम हुसैन। लाखों की तादाद में जो है मोमिनीन ने आज इस ज़मीन करबला बैनुर्रहमैन पे जो है नमाज ईद अदा की है। मेरी दुआ है इन लाखों में अगला साल मेरा मौला आप सबको भी शुमार करे और आप सबको जल्द ज़मीन करबला की ज़्यारत नसीब हो। इलाया में मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ सारी अपडेट्स करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम या इस्लाम मदद।